हाय दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आज हम किरचॉफ्स लॉ को लेकर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो और आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हम किसी भी सर्किट में साइन कन्वेंशन को देखें, ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारे पास समस्याएं क्या है। हम किरचॉफ्स लॉ का यूज भी टू वेरीफाई और टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, बट वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट द होम्स लॉ। होम्स लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल टू फाइंड आउट द करंट इन ए क्लोज सर्किट, बट बेसिक प्रॉब्लम इज दैट वी यूज कूलम्स लॉ ओनली फॉर द सिंगल और सिंपल सर्किट। बट इफ सर्किट आर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स These same many branches form branches present in circuit. This type of circuit are not easily solved by the Ohm's law. To show out these problem related to this, mean a large number of resistance or large number of batteries are also connected in different type of, they form a complex circuit, either series or parallel form or mixed form. But current in different branch are not easily verified or easily calculated by using the Ohm's law. To remove this difficulty, Kirchhoff gave the two type of law. First is Kirchhoff current law, Kirchhoff first law. Second is Kirchhoff voltage law. We can say that Kirchhoff second law. Mean charge or energy, yani potential, दो quantity को लेके इसने कितने अच्छे law हमें provide किए हैं कि हम किसी भी प्रकार के complicated circuit को easily solve कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हमें समझने की बात क्या होगी। सबसे जो मेन हमारी बात है समझने की, वो दो तीन चीज है जो वर्ड हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम बार बार एक वर्ड यूज करेंगे, जंक्शन। आप इसको क्लियर कर ले, जंक्शन क्या होता है। जंक्शन का मतलब एक पॉइंट है जहां पर दो या दो से तीन या तीन से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होती है। मीन इट इज द पॉइंट इन सर्किट वेहर three or more than three branches are joined or connected। यानी एक ऐसा पॉइंट किसी सर्किट का जहां पर तीन या तीन से ज्यादा, थ्री और मोर देन थ्री ब्रांच अटैच हो। अब सवाल उठता है कि ब्रांच क्या चीज है। ब्रांच इट इज क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट कंटेनिंग 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 रेजिस्टेंस और बैटरीज और सेल ओनली बैटरीज batteries and basic things is that current in it is constant। यानी ये ध्यान रखना हमें, जो ब्रांच होती है, ब्रांच का मतलब यही होगा, एक ब्रांच वो बनी जाएगी जिसमें करंट कांस्टेंट रहता हो। और एक शब्द हम यूज करेंगे बार बार, लूप। लूप इज द क्लोज सर्किट, closed circuit having cell oblique batteries or resistor। ये आपको ध्यान रखनी कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। जंक्शन का मतलब है कि पॉइंट, उल्टा पढ़ सकते हैं, लूप इज ए क्लोज सर्किट हैविंग सेल और बैटरी और रजिस्टर एंड लूप फॉर्म द ब्रांच। ब्रांच मीन इट इज द लूप इन विच करंट इज कॉन्स्टेंट and two, three or more than three branches make the junction, mean at a point in the closed circuit, in the circuit where three or more than three
ब्रांच आर कनेक्टिव दैट इज नोन एज द जंक्शन। ये आप तीन चीजें नोट कर लें, इसको आपको क्लियर होने चाहिए। पूछे नहीं है आपसे कि जंक्शन क्या होता है, आपके दिमाग में खुद होनी चाहिए ये चीजें। और ब्रांच के लिए अच्छी बात मैंने क्या बताई है कि करंट कांस्टेंट होता है। अब हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट है, यहाँ हमने एक से ज्यादा ऐसे ब्रांच बना रखे हैं, ये सारी ब्रांच है इस तरीके की, ये एक ब्रांच है, एक दो तीन चार सब ब्रांच है। यहाँ करंट आई वन है, यहाँ करंट आपका आई टू है, यहाँ करंट आई थ्री है, यहाँ करंट आई फोर है, यहाँ करंट आई फाइव है, आई थ्री को ऐसे कर देते हैं। ये जो पॉइंट, ये आपकी ब्रांच है, जैसे ये ब्रांच, एक ब्रांच ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये सारी ब्रांच है। लेकिन ये जब इस पॉइंट के ऊपर मिलती है, ए पॉइंट के ऊपर, ये जंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनकी काउंटिंग करें तो ये पांच है, फाइव ब्रांचेज आर कनेक्टेड एट द पॉइंट ए, सो ए इज नोन एज द जंक्शन। हम एक एक लॉ को डिस्कस करते हैं। अब ये बेसिक फिनोमिना था, और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने के लिए होम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टू रिमूव दिस डिफिकल्टीज वी यूज द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ it is this name of the scientist, it provided two basic law that are based on the two conserved quantity. First conserved quantity is charge and second is potential, we can say that energy. So one charge, one law based on the law of conservation of charge, and other based on the law of potential, or we can say that law of energy. So we discuss one by one. First we discuss Kirchhoff's first law. Very important law is first law. It is the statement of this law is total current entering at the junction or node. This is also known as the node. Mean total current incoming toward the junction must be equal to the total current outgoing to the junction. So we can say that total sum of the algebraic sum of the current incoming or entering at a particular junction and also equal to the algebraic sum of the total current leaving that node or that junction. This is the statement. It means that incoming current must be equal to outgoing current. Or we can say that at a node or at a junction, there is no loss of charge. So we can say that some important things is that at junction, there is no loss of charge. It mean that it obey law of conservation of charge. It mean that entering charge is, it means that summation of I is equal to zero. यानी किसी भी junction पे सभी current जितने भी चाहे वो incoming है outgoing है, सब का sum equal to zero. It means that this is sum of current incoming mean comes toward the junction is equal to summation of I is equal to outgoing. It mean that total current income or entering to the junction must be equal to total current leaving or outgoing to the junction. This is very important. Paper में, exam में आपसे question ये पूछा जा सकता है कि कौन सी quantity पे ये based है, तो आपको ध्यान होना चाहिए law of conservation of charge. Second, इसके और भी नाम है, जो first law तो बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है law of current. It is also known as law of current. ये भी इसका नाम है, आपको ध्यान होना चाहिए. एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, it is valid for open and closed सर्किट. ये दोनों तरह के सर्किट पे वैलिड है, चाहे वो आपका सर्किट ओपन है या क्लोज है. ये जो फर्स्ट क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज थी, तो मैं भी सर्किट में लेके दिखा देता हूँ कि कैसे.
देखिए इनकमिंग करंट का मतलब है कि आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, इस पॉइंट की ओर देखिए एक तो आई वन आता है, ये बाहर गया, ये भी आउटगोइंग है, ये इनकमिंग और ये इनकमिंग है, तो एक तरफ पे इनकमिंग करंट कौन से हो गए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तीन करंट तो इनकमिंग करंट है और इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग कौन से होंगे जो इस जंक्शन से बाहर जाएंगे, बाहर कौन गए आई फोर और आई फाइव, ये हमारा मेथड रहता है इसमें, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ये हमारी इक्वेशन है किरचॉफ फर्स्ट लॉ की, तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यही न्यूमेरिकल आ जाए, किस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है, इसको एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये सर्किट आपका इसी तरीके का एग्जाम में आपको सर्किट दे देगा, लेकिन तुम करंट की वैल्यू अलग अलग दे दी जाए, कैसे दे दी जाए, जैसे मान लीजिए कह दे कि ये 3 एम्पियर है, ये 7 एम्पियर है, ये कह दे कि ये आई है, ये 9 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये कहेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, यानी इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो होगा, तो हमें क्या ध्यान रखना, इक्वल का साइन लगाएंगे ऐसे, एक साइड में हमने इनकमिंग करंट और एक साइड में आउटगोइंग, इनकमिंग करंट कौन सा है 3 एम्पियर एक साइड 3 प्लस, दूसरा ये भी इनकमिंग करंट है 2 और ये भी आपका इनकमिंग करंट है, ये आपका आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग, तो i प्लस 7 इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए 9 और 3 12 14 इज इक्वल टू i प्लस 7 और i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 एम्पियर, तो आपको पता लग गया कि ये 7 एम्पियर करंट होगा, ये बिल्कुल इजी सा ला था, ये किरचॉफ फर्स्ट ला था, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको साथ साथ नोट करते रहें और नोट्स बनाए, हम अब किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करते हैं। देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ को हम देखना चाहते हैं, हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओपन और क्लोज दोनों सर्किट के लिए वैलिड है, दूसरी बात उसमें यह है कि जितना करंट किसी जंक्शन में इंटर करेगा उतना ही करंट उस जंक्शन को उस नोड को छोड़ देगा, लीव कर देगा, उसको आउटगोइंग हो जाएगा, इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी जंक्शन के ऊपर कभी भी करंट ना तो लॉस होता करंट का ना गेन होता, यानी चार्ज का लॉस और चार्ज का गेन नहीं होता किसी भी जंक्शन पे, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज मूवमेंट कर जाएगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, ये बात हमने फर्स्ट लॉ में अच्छे से समझ लिया। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ में क्या करेंगे हम, वोल्टेज कंसेप्ट को लेके आएंगे, वो किस कंसेप्ट को लेके हम चार्ज को या किसको लेंगे वोल्टेज को, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहली कंडीशन ये याद रखना कि ये क्लोज लूप पे वैलिड होगा, फर्स्ट लॉ हमने बात की थी दोनों पे वैलिड होता है, ये किस पे होता है केवल क्लोज लूप पे, तो इसमें क्या होता है किरचॉफ सेकंड लॉ की अगर आप स्टेटमेंट जानने की कोशिश करेंगे तो इन एनी क्लोज लूप द वोल्टेज अराउंड द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स विद इन द सेम लूप व्हिच इज इक्वल टू 0। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में किया कि किसी भी क्लोज लूप में in any closed loop the total voltage around the loop is equal to the sum of all the voltage drops within the same loop is equal to 0। कैसे सर्किट देखिए, ये हमने सर्किट लिया ऐसे, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये हमने एक बैटरी यूज की यहाँ पे प्लस माइनस और ये आर और इसके अंदर से हमने करंट फ्लो करवाया आई, तो ये क्या कहता है कि इस सर्किट में सभी वोल्टेज का, इसकी वोल्टेज मान लीजिए V है या EMF है, इस सेल का E है, तो ये क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में, ये क्लोज लूप अगर आप देखेंगे तो ये क्लोज सर्किट है, इस क्लोज सर्किट में EMF प्लस समेशन ऑफ EMF और समेशन ऑफ IR हमेशा जीरो होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं और जितने इसमें सोर्स ऑफ EMF है, ये क्या है सोर्स ऑफ EMF, यानी जो इसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे और ये आपके क्या है पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप, यानी ये कहता है कि जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जितनी वोल्टेज प्रोवाइड करोगे उतनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर। इसका मतलब हुआ कि हमने सेल की इक्वेशन पढ़ी थी कि E is equal to V plus IR होता है और इसको इधर लेके आएंगे तो E minus IR is equal to V, इसका समेशन और इसका समेशन हमेशा इक्वल टू जीरो होगा, यानी जितनी वोल्टेज आपने प्रोवाइड की है
उतनी वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा। मैंने दूसरे शब्दों में भी लिखा है इसी को, अगर आप इसको अदर वर्ड्स में देखें कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल वी है, ये वाली वी है, ये जीरो होगी, यानी जितनी सोर्स ऑफ एनर्जी जो सोर्स ऑफ ईएमएफ या सेल और बैटरीज के ईएमएफ है जितनी उसको प्रोवाइड करेगा उस सर्किट में, उस रजिस्टर के थ्रू वो सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी उस सर्किट में। तीसरी और बात हमने लिखी है, तीसरी डेफिनेशन, मैंने तीन डेफिनेशन इसकी लिखी है, जो सबसे अच्छी लगे आपको वही लिख देंगे। इन एनी क्लोज सर्किट सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल यानी जितने भी सेल सर्किट में है उन सबका ईएमएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये वाली कंडीशन है, सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं समेशन ऑफ आई ई यानी ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो, और ये वास्तव में वही हो गया वी के बराबर, तो समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो बात एक ही। सारे की सारे स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट आपको अच्छी लगे कोई भी आप लिख सकते हो। ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है और भी इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से। अब मैं इसको बताता हूँ, मैं यही समझा दूंगा, इसको नहीं हटाऊंगा अभी, आप आराम से लिख सकते हैं। हम एक बात और करते हैं, इस लॉ के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या चीज है। पहली, इट इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम भी है वो क्या है, लॉ ऑफ वोल्टेज, लॉ ऑफ वोल्टेज, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वोल्टेज। अगली बात क्या है इसमें, ये लॉ ऑफ वोल्टेज है तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इट वैलिड ओनली इन क्लोज सर्किट। ये तीन बातें और इसमें ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और ये क्लोज लूप पे। जब कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट और सेकंड लॉ को, तब ये पॉइंट आपके काम आएंगे। तो ये हमने देखा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। अब हम इसके, जब इस नियम को हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ को, तो इसके लिए कोई ना कोई साइन कन्वेंशन तो होते होंगे। हम कैसे साइन लें, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लें, किस डायरेक्शन में नेगेटिव लें, तो हम पहले इसके साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर इसके यूजेज देखेंगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसको हटा देता हूँ। कई बार ऐसे हो जाए कि नहीं ले पाए, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें वीडियो को, और आप आराम से कॉपी में नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे देखें। इसके बाद देखिए साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं किसी भी सर्किट में। मैं आपको बिल्कुल इजी वे से साइन कन्वेंशन बताऊंगा, और इस तरीके से अगर आप साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए दो ही साइन कन्वेंशन आपको मैं बताऊंगा पूरे सर्किट को सोल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जब कोई भी आप एक लूप देखेंगे तो उस लूप में एक रेजिस्टेंस लगा मिलेगा आपको, ऐसे ये आपके न्यूमेरिकल में करवाएंगे, ये आपका रेजिस्टेंस है आर। मान लीजिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, आई करंट, इस टर्मिनल का नाम है ए बी, क्लियर है बात। यानी हमने इस लूप इस ब्रांच को देखा तो इस ब्रांच में करंट ए से बी की ओर फ्लो करता है थ्रू रजिस्टर आर। जब आप किसी भी क्लोज लूप में मोमेंट करें तो आपकी डायरेक्शन अगर ए टू बी है, यानी इफ वी आर गोइंग थ्रू ए क्लोज लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द रेजिस्टर, जब रेजिस्टर में हम करंट के अक्रॉस या करंट की डायरेक्शन में मोमेंट करें तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट जो लेंगे आई और आर वो प्लस में लेंगे। अगर आप इसके जस्ट अपोजिट जाएं तो आप माइनस आई और आर लेंगे, क्योंकि हमें तो प्लस माइनस से मतलब है, क्योंकि एल्जेब्रिक सम है, वोल्टेज है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जब होती है तो वहां एल्जेब्रिक सम लगता है। तो अगर आप किसी भी क्लोज सर्किट में मोमेंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन यू शुड टेक द
positive side. But if you are moving through a branch opposite to the direction of current or current flow in the direction A to B, and you are going through this circuit from B to A, then you must take the negative sign. So in the direction of current across the resistor must be taken as positive sign. In opposite direction, you must take the negative sign. Very important thing. And we know very well in this circuit, source of EMF also connected. Let us consider this is P, this is Q, and here is positive and negative sign. This is the is cell having EMF E. Here also, the two sign of EMF according to the moment across the branch. If we are moving across the branch from P to Q, and here we take the direction according to the last sign of this cell. The last sign of this cell is negative, so we use negative of E. But if we are moving across the branch from Q to A, then last sign of this cell is positive and we must take positive E. This is the very important sign convention. But when we are using and you use these sign convention, it is necessary to think that how we can take the sign and how we can make the equation, you must take it as like this sign. You must take the sign equal. Here you take sum of EMF. So is in this direction you should take, must take sum of product of current and resistance. And this is the equal sign. Then these signs are helpful in your numerical problem. अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं. देखिए मैंने क्या कहा है यहाँ पे, मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ये साइन कन्वेंशन तब काम करेंगे जब आप इक्वेशन बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि एक तरफ तो आप सारे ईएमएफ का सम रखें, एक तरफ आप आई और आर के प्रोडक्ट का सम रखें, इक्वल का साइन रखें. तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. मैं इसको एक न्यूमेरिकल से समझा देता हूँ आपको, एक सर्किट डायग्राम बना के, और मैं आपको इक्वेशन बनाने सिखा दूंगा और एक न्यूमेरिकल से सोल्व भी करवा देता हूँ. देखिए हम एक एग्जांपल को सोल्व करते हैं साइन कन्वेंशन से. तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको बैटरियां दे रखी है. ये मान लीजिए आपकी 3 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी है. मैंने ऐसे इसको कंसीडर कर लिया और इसमें 3 रेजिस्टर लगे हुए, 4 ohm, 3 ohm and 2 ohm. करंट पासिंग थ्रू by this battery is I1 and this is I2 and this branch having the current I3. Question is find out I1, I2 and I3. This is the question. So we can solve this question by using Kirchhoff's law. First of all, we select the node point of junction point, and keep in mind that the junction point is the point where 3 or more than 3 branches are meeting, or they meet at a particular point. So point F and point C be the junction points. So here we write at point P, point B, C, D, E, A. Point C and point F be the junction. आपको पहचान में आ गए होंगे ये दोनों जंक्शन क्यों हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर 3 ब्रांच अटैच होती हो. तो जब भी पॉइंट C और F जंक्शन है, तो F पॉइंट के ऊपर देखिए इनकमिंग करंट, यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. ये आपका फर्स्ट लॉ है. कौन सा लॉ है? ये फर्स्ट लॉ है. हम अप्लाई कर दें
देखिए F पॉइंट के ऊपर इनकमिंग कौन हो गया, इधर से I1 आया, इधर से I2, इधर I3 चला गया नीचे की ओर, तो इनकमिंग करंट तो हो गया I1 प्लस I2, आउटगोइंग करंट हो गया I3, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब हमें क्लोज लूप लेनी है, KCL 2 लेंगे हम बाय टेकिंग क्लोज लूप। आपका मन करे कोई भी क्लोज लूप लो, कहीं ऐसा मत सोचना कि मैं कहूं वही ले, आप मेरे विपरीत भी ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं ए एफ सी बी और वापस यही ले लेते हैं क्लोज लूप ए एफ सी बी ए। मैंने ये क्लोज लूप लिया, इसको 1 वोल्ट ले लो, कम ले लो क्या फर्क पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी दिया तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 वोल्ट लेना। मैंने क्या किया ए टू एफ, एफ टू सी, सी टू बी, और ये लूप हमने ऐसे यूज किया, ये ऐसे लूप यूज कर दिए। नियम वही रहेगा, केसीएल 2 यूज करेंगे हम, यहाँ केवीएल बोलते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे। देखिए हमें ए से एफ, हम हमने मोमेंट किया ए टू एफ, और हमने ए टू एफ ये देखा कि यहाँ ना तो रजिस्टर ना सोर्स ऑफ ईएमएफ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर हम गए एफ से सी, इधर जा रहे हम इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे। पहले बैटरी आई हमारे पास, मैंने कहा था कि इक्वल का साइन रखेंगे, आप सबसे पहला काम है इक्वल का साइन लगाए, उसके बाद सबसे पहले कौन आई बैटरी, बैटरी के टर्मिनल आप देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो आप इस डायरेक्शन में मोमेंट करें तो लास्ट में साइन नेगेटिव है, तो ये माइनस वन आ जाएगा। एक वोल्ट की बैटरी है तो माइनस वन क्यों यूज किया पता लग गया होगा। यहाँ देखिए करंट किधर आ रहा है, हम करंट के अपोजिट है तो नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन में क्या जाएगा थ्री आई टू, थ्री आई टू का मतलब है रेजिस्टेंस और करंट की मल्टीप्लाई करनी है, रेजिस्टेंस कितना थ्री और करंट कितना आई टू। हम सी पे चले गए, सी से बी में देखिए कुछ भी नहीं है, नहीं है तो हम छोड़ देंगे। फिर हम चलेंगे बी से ए, हम इधर आ रहे हैं बी से ए, ये हमारी डायरेक्शन, पहले कौन आया रजिस्टर, करंट आई वन भी इधर आया तो पॉजिटिव का लेंगे प्लस फोर आई वन, फोर आई वन। फिर हम जैसे इससे आगे क्रॉस होके आए तो बैटरी का लास्ट टर्मिनल पॉजिटिव तो प्लस थ्री वोल्ट, ये हमारे कंप्लीट क्लोज लूप में हमने साइन ले दिया, बहुत इजी है। अब इसको रीअरेंज करोगे तो माइनस थ्री आई टू प्लस फोर आई वन इज इक्वल टू टू, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, सेकंड इक्वेशन इसको कह दो। एक और लूप ले लो, इन क्लोज लूप कोई भी क्लोज लूप ले लो। अब हम मान लीजिए इसको ले ले, हम बड़े वाले लूप को ले ले, क्या फर्क पड़ता है, इन क्लोज लूप ए एफ ई बी सी बी ए, ध्यान रखना होनी क्लोज लूप चाहिए। अब हमने कौन सी क्लोज लूप ली है, ये वाली दी है, यहां से और यहां से, ये कंप्लीटली हमें दो टुकड़ों में पढ़ाऊंगा आपको, ये आपका डायग्राम बना रहा है। हम कहां चले, पहले ए से एफ, ए से एफ में कुछ भी नहीं मिला छोड़ देंगे, फिर हम गए एफ से ई, एफ से ई में भी कुछ भी नहीं है, ना तो सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी ना बैटरी है, ना सेल है, ना रजिस्टर है, और मैंने कहा था इक्वल का साइन लगाएगा। अब चले गए ई से डी, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन कौन सी है ये, और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, एक कनेक्ट पॉजिटिव तो प्लस का, रेजिस्टेंस कितना है टू और करंट कितना है आई थ्री, ये हम बात करते हैं यहाँ। अब हम चले गए डी पे, फिर हमें जाना है डी से सी, कुछ भी नहीं है, सी से बी भी कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम बी से ए इधर आएंगे, इधर आएंगे तो देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस, आप करंट की डायरेक्शन में क्योंकि आप बी से ई आए और करंट भी बी से ई है तो प्लस का हो जाएगा फोर आई पर, और बैटरी का लास्ट टर्मिनल पॉजिटिव तो थ्री वोल्ट इधर आ जाएगा प्लस का थ्री। ये आपकी एक इक्वेशन और होगी, थर्ड इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करना है, कैसे भी सोल्व करो आप, वैसे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर आप एक काम करें, आई थ्री की वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें रख दो, पुट आई थ्री फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन तो क्या बन जाएगा इक्वेशन इक्वेशन थर्ड में रखो देखो ये 2i3 है 2 इनटू i3 की वैल्यू देखिए i3 किसके बराबर है i1 प्लस i2 प्लस 4i1 इज इक्वल टू 3 इसको रीअरेंज करें तो 2i1 और ये भी 2i2 हो जाएगा तो 2i1 तो ये है और 4 ये तो 6i1 और 2i2 प्लस 6i1 इज इक्वल टू 3 ये बन जाएगी इक्वेशन जस्ट सिंपलीफिकेशन है अब सेकंड इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना है कैसे रीअरेंज करेंगे देखिए यहां आपका 2i2 है यहां 3 है तो हम इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें एलिमिनेटिंग i2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 एंड equation 3 by 3 and then adding and class में जैसे solve करते थे वैसे ही solve simplify करेंगे देखिए इसको 2 से multiply करो 2 into 3 minus 6 i2 इसको भी 2 से multiply करें 8 i1 इसको भी 2 से multiply करें 4 अब इसको 3 से करो 6 i2 इसको भी 3 से करो तो 18i1 इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो 9 और एडिंग करना है अब आप देखिए ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना सिंपली अब इनको ऐड करो 18 और 8 को ऐड करो तो 26i1 और 9 और 13 तो i1 की वैल्यू होगी 13/26 यानी 1/2 एंपियर I1 निकल गया ये हमारी I1 की वैल्यू है जैसे ही I1 की वैल्यू आई आप किसी भी इक्वेशन में रख दो ना आप पुट I1 इज इक्वल टू 1/2 इनटू इक्वेशन सेकंड पहले में ऐसे ही करते थे ये सेकंड है यहां रखें कि अगर -3i2 प्लस 4i1 I1 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2 ऐसे हो जाएगा ये i1 की वैल्यू यहां रख दिया हमने ये बन गया 2 से 2 काट दो तो कितना हो जाएगा ये -3i2 इज इक्वल टू 2 पहले ही है ये 2 भी इधर चला जाएगा 2 और ये इधर 2 गया तो -2 इज इक्वल टू 0 तो i2 की वैल्यू यहां पे 0 बन जाएगी आपकी बच सकती है कोई बड़ी बात नहीं है हमारी अगर हम इसको हाफ रख दें तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो i2 0 आ गया अब i3 निकालना है i3 निकालने का फर्स्ट इक्वेशन है ये i1 की नाम है i1 का इसे कितने 1/2 ये 0 एंपियर अब क्या करें फर्स्ट इक्वेशन ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन i1 प्लस i2 प्लस i3 i1 की वैल्यू हमने निकाली 1/2 i2 की वैल्यू आ गई 0 i3 तो आप देखेंगे i3 की वैल्यू भी 1/2 एंपियर है बस सिंपल सी बात हो जाएगी इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं फिर भी आप एक दो क्वेश्चन ऐसा करके देख लेना एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं आप ट्राई करें समझ में आया आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें प्रोसेस कैसे करनी है क्लियर हो जाएगी अब मैं हटा देता हूं इसको अच्छे से समझ में आया होगा आपको मैं दो क्वेश्चन इसमें लिख देता हूं दो डायग्राम बना दूंगा और आप कोशिश करें उसको सॉल्व करने की और नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें मैं नेक्स्ट जब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाल दूंगा देखिए दो सर्किट मैंने यहां बनाए हैं एक सर्किट ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 i2 एंड i3 फ्रॉम द सर्किट 1 और फर्स्ट सर्किट ये है बड़ा ध्यान से देखना है ये करंट i3 है ये करंट i1 है ये करंट i2 है ये आपको कैलकुलेट करना है ये फर्स्ट सेल है जिसकी 6 वोल्ट वोल्टेज है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है ध्यान रखना मैंने नई चीज डाली है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ये सेकंड सेल है जिसकी वोल्टेज 10 वोल्ट है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम है
हमें आई वन आई टू आई थ्री निकालना। सेकंड क्वेश्चन में मैंने अलग चीज दी है, फाइंड वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन दिस सर्किट डायग्राम। इसमें क्या किया हुआ हमने, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये आर है। इस आर को कैलकुलेट करना, इस सर्किट में भी करंट आई फ्लो होता है और इस सर्किट में भी करंट आई फ्लो होता है। यहाँ भी ये आई है, यहाँ भी आई है, एक तो आई निकालना और एक आर निकालना है। दो क्वेश्चन है इनको आप सॉल्व करें, अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं इसको सॉल्व करवा के आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े बारीकी से जानने की कोशिश की इस टॉपिक को और ये आपके काफी हेल्पफुल रहेगा।